मेरा नाम है जागृत शर्मा और अभी हमारे सामने है जियो फोन। इसके साइड में लिख रहा है जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन। इधर की तरफ लिख रहा है वॉचिंग टीवी सिंपली, वो सब मैं आपको अगले रिव्यू में बताऊंगा। डिजाइन इन इंडिया फॉर इंडिया यहाँ पर सारे के सारे लिख रहे हैं। और ये वाला जो नंबर है मेरे को मिला है इसका जो स्टार्टिंग है वो 63 है, जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे समझ नहीं आया 63 वाला स्टार्टिंग है दिया। और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं, यहाँ सारे सारे स्पेसिफिकेशन है जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अंदर 6.09 की डिस्प्ले है, TFT 2 मेगापिक्सल कैमरा है, 2000 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी है, 512 MB रैम है, 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है, SD कार्ड 128 GB तक का सपोर्ट हो जाता है और हेडफोन जैक भी है। ये सारे के सारे दूसरे फीचर्स हैं जो कि हर स्मार्टफोन में आते हैं। तो चालू करते हैं। तो ये जो फोन, मैंने इसकी पन्नी निकाल दी है और अभी जो इसकी सील है इसको काट देता हूँ मैं। इसकी सील भी अब कट चुकी है और अभी खुल चुका है। जैसे अपन यहाँ पे खोलते हैं तो यहाँ पे वी लव फ्रॉम जियो लिखा हुआ था और ये रहा हमारा स्मार्टफोन। बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से पैक हुआ हुआ आता है। इसको अगर अपन निकालें तो साइड में इसकी IMEI नंबर वगैरह आता है और पीछे लाइफ लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये चीज़ किस काम की है, मुझे वाकई में नहीं पता। आई थिंक सो ये इस वाले स्क्रीन गार्ड को हटाने का काम आती है, लेकिन अभी अपने किसी काम की नहीं है। तो इस फ़ोन को एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं। यहाँ पे निकलती है इसकी सारी की सारी मैनुअल, पूरी की पूरी हर एक लैंग्वेज के अंदर इसके बारे में दे रखा है और इधर की तरफ भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं। इसको रखते हैं साइड में और अब इसको खोलते हैं। तो इधर जब अपन इसको खोलते हैं तो यहाँ पे निकलता है इस जियो का चार्जर। ऐसे चार्जर नहीं आया मेरे फोन के साथ। और ये 0.2 एम्पीयर का चार्जर है जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये चार्ज हो जाता है इससे, ये डिटैचेबल नहीं है, टायर्ड लॉन्चर है, उस पर लाइफ लिखा हुआ है। और अब आगे देखते हैं अपन तो यहाँ पर निकलती है जियो फोन की बैटरी, यहाँ पर लाइफ लिखा हुआ है। ये 2000 mAh की बैटरी है। तो इसको अपन अपने जियो फोन के अंदर डाल देते हैं। जियो सिम कहाँ है इसका? जियो सिम इसके अंदर ही जियो सिम डिलीवरी आई है। पहले से मैंने नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं करा था, वो डायरेक्ट पापा लाया था, खुला खुला उनकी जेब में था फोन, हमेशा ऐसे करता। तो मैं चालू करता हूँ सारे फोन को, स्क्रीन कॉन्टेक्ट मत हटा लो। और ये वाला फोन चालू हो चुका है, इसके अंदर KIOS है, मतलब KIOS जो कि एंड्रॉयड की कॉपी है एक तरीके से, बहुत सारे तरीकों से एक्चुअली। बाकी कुछ भी नहीं है, डब्बा खाली हो चुका है। तो अपन इन सबको रखते हैं साइड में। तो ये चालू हो सकता है जैसे कि आप देख रहे हो। अब मैं को इसमें इंग्लिश सेटअप करना पड़ेगा और ये सारे सारे KIOS की लाइसेंस टर्म्स हैं जिनको कोई भी नहीं पढ़ता, बहुत सारी एक्सेप्ट कर लें। और ये लाइफ की लाइसेंस टर्म्स हैं, इसको भी अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये है हमारा फ़ोन जो कि अब खुल चुका है। तो जैसे कि देख सकते हो जो मीनू है इसकी बिल्कुल एंड्रॉयड जैसी है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। और इसके अंदर सारे सारे ऐप्स आते हैं, आप चाहो तो इसके अंदर ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये मेरा फ़ोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिग्नल नहीं आ रहे हैं अभी क्योंकि इसमें इस फ़ोन के अंदर जो सिम है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। लेकिन जो सब सोचने वाली बात है कि इसका जो नंबर है, वो जिसका नंबर है वो है ये। और ये जो नंबर है दिख रहा है कैमरा में हल्का सा, 63 से चालू होता है ये वाला नंबर, मुझे समझ नहीं है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिम चालू हो चुकी है और वो LTE और LTE लिखा चुका है जैसे कि हर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आता है। और बस यही थी मेरी वीडियो जियो फोन के ऊपर। मैं बहुत जल्दी इसका एक छोटा सा रिव्यू बनाऊंगा जिसके अंदर अपन सब कुछ टेस्ट करेंगे, इसका कैमरा वगैरह और A to Z सारी सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड रहना मेरे चैनल पे और हम लोग आएंगे इसकी रिव्यू के साथ। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।